जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और करंट अफेयर्स 2020 के लिए एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम 2020 में जो भी हमारे एयरपोर्ट किसी कारणवश न्यूज में रहे हैं उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। और टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के इससे पहले के सभी वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके आप वहां से भी इससे पहले के सभी वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की कोई वीडियो मैं और बनाऊं तो उसके बारे में आपको नीचे कमेंट में बताना होगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के किस एयरपोर्ट ने हाइपरलूप कॉरिडोर के लिए वर्जिन हाइपरलूप के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये क्या है, बेंगलुरु एयरपोर्ट ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब यहाँ पर कई बार परीक्षाओं में आपसे सीधे उस पार्टिकुलर एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर है इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एयरपोर्ट है उसका नाम है कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्या नाम है? कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और ये बेंगलुरु वाले एयरपोर्ट का नाम है। बाकी आप ये ध्यान रखेंगे कि भारत की जो पहली हाइपरलूप ट्रेन है वह आपकी चलेगी मुंबई से पुणे के बीच में, और ये प्रश्न ऑलरेडी परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी ने किस राज्य की सरकार के साथ जेएर हवाई अड्डे के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो जेवर हवाई अड्डा है ये बन रहा है उत्तर प्रदेश के नोएडा में, और अभी इसी के संचालन के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी के साथ में एक समझौता किया है। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, और ए एयरपोर्ट जो है वह 2024 तक बनकर के तैयार होगा। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2020 में जारी कोविड-19 सेफ्टी प्रोटोकॉल के अनुसार विश्व का सबसे सुरक्षित एयरपोर्ट कौन सा है? तो ध्यान रखेंगे सबसे सुरक्षित एयरपोर्ट है चंगी। कौन सा? चंगी एयरपोर्ट, जो कि आपको मिल जाएगा कहां पर? सिंगापुर में। तो ये दुनिया का सबसे सुरक्षित एयरपोर्ट है। और आपको ध्यान रखना है कि हमारे यहां दिल्ली में जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये इसमें रहा है दूसरे स्थान पर, तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, 100% सौर ऊर्जा से संचालित भारतीय विमानन प्राधिकरण का पहला हवाई अड्डा कौन बना? तो ये प्रश्न 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, पहला हवाई अड्डा बन गया है पुडुचेरी, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब आपको यहां पर मैं बता दूं कि हमारे यहां का सबसे पहला हवाई अड्डा जो कि पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से चलता है वह आपका है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, लेकिन ये जो पुडुचेरी वाला है ये हमारे भारतीय विमानन प्राधिकरण का पहला हवाई अड्डा बना है। तो दोनों प्रकार के प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, और ये जो कोचीन वाला है ये प्रश्न ऑलरेडी परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। वैसे अगर हम लोग सौर ऊर्जा की बात करते हैं तो दीव हमारे देश का पहला सौर ऊर्जा से संचालित शहर है, और असम में जो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन है ये भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित रेलवे स्टेशन है। तो ये सारे प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न है, अगस्त 2020 में किस भारतीय एयरपोर्ट को नेशनल एनर्जी लीडर व एक्सलेंट एनर्जी एफिशिएंट यूनिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है हैदराबाद एयरपोर्ट को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो हैदराबाद शहर तेलंगाना की राजधानी है वहां पर आपको दो एयरपोर्ट मिलेंगे। कितने? दो एयरपोर्ट वहां पर मिलेंगे। तो एक हमारा है जिसका नाम है बेगमपेट एयरपोर्ट, यानी कि बेगमपेट हवाई अड्डा, और दूसरा है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ये जो हैदराबाद में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है इसी को अभी नेशनल एनर्जी लीडर और एक्सलेंट एनर्जी इफिशियंट यूनिट का पुरस्कार मिला है, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2020 में किस एयरपोर्ट पर भारत के पहले निजी जेट टर्मिनल को खोला गया? तो ये जो पहला निजी जेट टर्मिनल है इसे खोला गया है दिल्ली एयरपोर्ट पर, यानी कि जो दिल्ली में
इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहीं पर अब हमारे जो प्राइवेट जेट विमान होते हैं वह भी लैंड कर सकते हैं और इन्हीं के लिए पहले निजी जेट टर्मिनल को यहाँ पर खोला गया है। अगला प्रश्न है, अडानी समूह ने किस एयरपोर्ट में 74% हिस्सेदारी को खरीद लिया है? तो जब हमारे देश में एयरपोर्ट का नाम आए तो आपको अडानी समूह का नाम जरूर ध्यान रखना है और इन्होंने अभी मुंबई एयरपोर्ट में 74% हिस्सेदारी को खरीद लिया है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अडानी ग्रुप को पट्टे पर देने को मंजूरी दी है? यानी कि ये जो एयरपोर्ट हैं उनको लीज पर दे दिया गया है अडानी ग्रुप को और इनमें से कुल मिलाकर के एयरपोर्ट की संख्या है 6, तो 3 आपके दिए गए थे फरवरी माह में और 3 अभी दिए गए हैं सितंबर माह में। कौन कौन से? तिरुवनंतपुरम, जयपुर और गुवाहाटी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब सिंपल शब्दों में आपको ये ध्यान रखना है कि अगर किसी भी प्राइवेट कंपनी को कोई भी एयरपोर्ट लीज पे दे दिया जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि वहाँ का जो ऑपरेशन होगा, वहाँ का जो मैनेजमेंट होगा और उस एयरपोर्ट का डेवलपमेंट, सारे कार्य उस पार्टिकुलर कंपनी के द्वारा किए जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि तिरुवनंतपुरम, जयपुर और गुवाहाटी का संचालन अभी दिया गया है अडानी समूह को 50 वर्षों के लिए। अगला प्रश्न है, किस भारतीय हवाई अड्डे पर COVID-19 के मद्देनज़र यात्रियों की जांच के लिए फीवर स्क्रीनिंग प्रणाली स्थापित की गई? तो ये स्थापित की गई है हैदराबाद हवाई अड्डे पर, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और हैदराबाद में कौन सा? तो हैदराबाद में जो बेगमपेट हवाई अड्डा है वहाँ पर फीवर स्क्रीनिंग प्रणाली को लगाया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा किस हवाई अड्डे को एक मोबाइल कमांड पोस्ट वाहन दिया गया? तो ये दिया गया है कोलकाता हवाई अड्डे को, तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो कोलकाता एयरपोर्ट की बात हुई है तो पहले आप ये ध्यान रखेंगे कि इसको हम लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं और ये पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में है। तो अभी इसी को मोबाइल कमांड पोस्ट वाहन दिया गया है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा। अगला प्रश्न है, फिमीसिनो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो कि हाल ही में समाचारों में है किस देश में स्थित है? तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो एयरपोर्ट है ये मिल जाएगा इटली देश में। कहाँ पर? इटली देश में ये स्थित है और यह अभी इसलिए न्यूज़ में रहा है क्योंकि स्काई ट्रक्स के द्वारा फिमीसिनो एयरपोर्ट को विश्व के पहले COVID-19 5-स्टार एयरपोर्ट रेटिंग के रूप में घोषित किया गया है। और ये जो इटली का फिमीसिनो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है इसे हम लोग लियोनार्डो दा विंची एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये इटली देश में स्थित है। अगला प्रश्न है, उबर ने शून्य संपर्क राइड के लिए किस एयरपोर्ट के साथ में समझौता किया? तो ये समझौता इन्होंने किया है दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद के साथ में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो दरअसल यहाँ पर होगा क्या कि उबर के द्वारा जो भी एयरपोर्ट पर आने वाले पैसेंजर होंगे उन सभी को ले जाने से पहले पूरी तरीके से उसके जो भी कैब होंगे उनको सैनिटाइज किया जाएगा। तो इसीलिए ध्यान रखना है, इन्होंने दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद के साथ में ये समझौता किया है। अगला प्रश्न है, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा किस भारतीय हवाई अड्डे को एशिया प्रशांत ग्रीन एयरपोर्ट रिकॉग्निशन 2020 में प्लेटिनम रेटिंग दिया गया है? तो ये रेटिंग मिला हुआ है हैदराबाद हवाई अड्डे को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो हैदराबाद का कौन सा? हैदराबाद में हमारा है बेगमपेट हवाई अड्डा। कौन सा? बेगमपेट हवाई अड्डा। और इसी को एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा एशिया प्रशांत ग्रीन एयरपोर्ट रिकॉग्निशन 2020 की श्रेणी में प्लेटिनम रेटिंग दिया गया है। भारत सरकार किस देश में स्थित बट्टी कलोवा हवाई अड्डे को विकसित करेगा? तो ये हवाई अड्डा भारत बनाएगा श्रीलंका देश में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और आपको याद रखना है कि श्रीलंका में एक है जाफना एयरपोर्ट। क्या है? जाफना एयरपोर्ट। और इस एयरपोर्ट को भी भारत ने डेवलप किया है, तो ध्यान रखेंगे जाफना हवाई अड्डे को भारत ऑलरेडी बना चुका है श्रीलंका में और अब बट्टी कलोवा हवाई अड्डे को भी भारत के द्वारा निर्मित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा हवाई अड्डा डिसेबल्ड एयरक्राफ्ट
रिकवरी इक्विपमेंट को प्राप्त करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट बना है। और ये प्रश्न भी ऑलरेडी परीक्षा में पूछा जा चुका है। ध्यान रखिएगा, बेंगलुरु हवाई अड्डा हमारे देश का पहला ऐसा हवाई अड्डा बना है जिसको डेयर टेक्नोलॉजी मिली है, यानी कि डिसेबल्ड एयरक्राफ्ट रिकवरी इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी उसे मिला हुआ है। तो बस आपको इसके बारे में याद रखना है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर महिलाओं के लिए वुमेन ऑन व्हील्स नामक टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई। तो ये सेवा शुरू हुई है दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और आपको ध्यान रखना है कि इसके लिए दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा सखा कैप्स के द्वारा समझौता किया गया है। तो ये प्रश्न भी ऑलरेडी परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसीलिए इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 में मध्य प्रदेश राज्य के पहले एयर कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किस शहर में किया गया। तो इसका उद्घाटन किया गया राजधानी भोपाल में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब एयर कार्गो टर्मिनल होता क्या है, देखिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा भारत है और यहाँ पर आपको मिलेगा मुंबई। अब कोई जहाज हमारी आई और यहाँ पर उसने सामान को उतारा। अब जाहिर सी बात है कि सामान अगर मुंबई में आ गया है तो इसको फिर देश के विभिन्न हिस्सों में पहुँचाए जाने की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए कई बार ये सामान हमारे जहाज़ों से भेजे जाते हैं और उसके लिए उस पार्टिकुलर राज्य में जहाँ पर सामान भेजना है उसके हवाई अड्डे पर एयर कार्गो टर्मिनल की सुविधा होनी चाहिए। तो अभी मध्य प्रदेश राज्य में एयर कार्गो टर्मिनल बना हुआ है भोपाल में। और भोपाल में कहाँ, तो भोपाल में है राजा भोज एयरपोर्ट, जहाँ पर एयर कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में उड़ान योजना के अंतर्गत बीदर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। तो ये जो बीदर हवाई अड्डा है इसका उद्घाटन किया गया है कर्नाटक में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो कर्नाटक का ये 8वां एयरपोर्ट बना है, ये आपको ध्यान रखना है। और CM BS येदियुरप्पा जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। चलिए, अभी हमने दो दिन पहले ही डिस्कस किया था एक एयरपोर्ट के बारे में जो कि बिहार का तीसरा एयरपोर्ट बना है, उसका नाम क्या है, उसके बारे में आपको नीचे कमेंट में बताना है। कैब से यात्रा करने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए उबर ने किस शहर की पुलिस के साथ हिम्मत प्लस ऐप को लॉन्च किया। तो ये लॉन्च किया है दिल्ली की पुलिस के साथ में मिलकर के, कहाँ पर, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। कहाँ पर, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इसे लॉन्च किया गया है। और ऐप का नाम है हिम्मत प्लस और इसने लॉन्च किया है, उबर ने इसे लॉन्च किया है। भारत का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा कौन बना। तो ये प्रश्न ऑलरेडी परीक्षा में पूछा जा चुका है। ध्यान रखिएगा, जो दिल्ली एयरपोर्ट है वह भारत का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा बन गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, किस हवाई अड्डे पर कृषि व खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण व भंडारण के लिए एक विशेष टर्मिनल शुरू करने की घोषणा की गई। तो इसकी घोषणा की गई है मुंबई हवाई अड्डे पर, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो मुंबई का हवाई अड्डा है यहाँ पर हमारे कृषि और खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए और उनके भंडारण के लिए एक विशेष टर्मिनल को शुरू करने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र की सरकार ने औरंगाबाद हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है। और ये जो आपके बदले हुए नाम वाले प्रश्न होते हैं खास तौर पर किसी शहर या हवाई अड्डे के वह परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, औरंगाबाद हवाई अड्डा जो महाराष्ट्र में है इसका नाम होगा छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पर, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और इससे पहले महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा जो मुंबई का एयरपोर्ट है इसका नाम छत्रपति शिवाजी के नाम पर रखा गया और कोल्हापुर का जो एयरपोर्ट है इसका नाम छत्रपति राजा जी के नाम पर, राजा राम के नाम पर रखा गया है। तो तीनों एयरपोर्ट के बारे में आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। औरंगाबाद हवाई अड्डे का नाम है छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पर, मुंबई एयरपोर्ट का नाम है छत्रपति शिवाजी के नाम पर और कोल्हापुर एयरपोर्ट का नाम है छत्रपति राजा राम के नाम पर। अगला प्रश्न है, विंग्स इंडिया 2020। तो ये प्रश्न भी ऑलरेडी परीक्षा में पूछा जा चुका है इसी साल। और ये कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो इसका आयोजन फिक्की के द्वारा नागरिक उड्डयन मंत्रालय
और भारतीय विमान प्राधिकरण ने मिलकर के किया था। थीम भी इसकी पूछी जा चुकी है, तो आपको ध्यान रखना है इसकी थीम थी फ्लाइंग फॉर ऑल। क्या थी? फ्लाइंग फॉर ऑल इसकी थीम थी। अगला प्रश्न है, जम्मू नगर निगम ने जम्मू हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? तो ये जो जम्मू का हवाई अड्डा है इसका नाम रखा गया है महाराजा हरि सिंह के नाम पर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है कि जो जम्मू में हवाई अड्डा है इसका नाम डोगरा वंश के शासक महाराजा हरि सिंह के नाम पर रखा गया है, और ये सारे भी नाम बदले जा चुके हैं। तो नाम वाले वीडियो में मैंने इसको ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो बस आप ध्यान रखेंगे कि जम्मू हवाई अड्डे का नाम महाराजा हरि सिंह के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, ऑन साइट रैपिड कोविड 19 टेस्ट आयोजित करने वाला दुनिया का पहला एयरलाइन कौन बना? तो पहला एयरलाइन यहां पर बना है एमिरेट्स। कौन सी? एमिरेट्स पहली एयरलाइन बनी है, और ये कहां की है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात की एक एयरलाइन कंपनी है। और कहां पर इसकी शुरुआत की गई है? तो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर इसकी शुरुआत की गई है एमिरेट्स एयरलाइन के द्वारा। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय ने एयरफील्ड के आधुनिकीकरण के लिए किस कंपनी के साथ में समझौता किया है? तो ये समझौता इन्होंने किया है टाटा पावर के साथ में। किसके साथ में? टाटा पावर के साथ में। और टाटा पावर यहाँ पर जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है उसके 27 हवाई अड्डे को मॉडर्न हवाई अड्डे के रूप में विकसित करेगी। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। आखिरी प्रश्न है, किस भारतीय हवाई अड्डे ने भारत व मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों के लिए स्काई ट्रैक्स पुरस्कार जीता है? तो ये पुरस्कार जीता है बेंगलुरु हवाई अड्डे ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो बात करते हैं यहाँ पर बेंगलुरु हवाई अड्डे की। तो जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसका नाम है कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और पिछले 4 वर्षों में तीसरी बार यहाँ पर वर्ल्ड एयरपोर्ट के द्वारा ये पुरस्कार बेंगलुरु हवाई अड्डे को मिला है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग कि यह पुरस्कार भारत और मध्य एशिया के लिए मिला है, जबकि दुनिया के लिए वर्ल्ड वेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड मिला है सिंगापुर के जेवल हवाई अड्डे को। किसको? जेवल चंगी हवाई अड्डे को यहाँ पर यह पुरस्कार मिला है। तो इस वीडियो में हमने जो भी एयरपोर्ट आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण थे उन सभी के बारे में डिस्कस कर लिया है, और उम्मीद करते हैं कि अगर एयरपोर्ट से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वह इसी वीडियो से आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।